सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सफरी की चाबी दिखा के वीडियो चालू करो। बट आज हम देखने वाले हैं क्रेटा, जो कि आप यहाँ पे मेरे पीछे देख सकते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्रेटा आज के वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं। और ये सारी की सारी गाड़ियाँ जो है नासिक के कार मॉल के अंदर सेल के लिए अवेलेबल है एज अ सेकेंड हैंड कार। तो आज के वीडियो के अंदर हम जो है सिर्फ डिटेल्स देखने वाले हैं, हम कंडीशन नहीं देखेंगे, बिकॉज कंडीशन में जो है खामों का काफ़ी जो है टाइम वेस्ट हो जाता है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम इन 6 कार्स की जो डिटेल्स देखने वाले हैं कि जो प्राइस है वो क्या होने वाली है। और बाहर से थोड़ी बहुत मैं आपको जो कंडीशन भी दिखा दूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, फर्स्ट वाली गाड़ी से स्टार्ट करते हैं जो कि आज के वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं। इसमें से जो मतलब सारी कार्स है ना वो वाइट ही होने वाली है, एक ही सिर्फ जो है सिल्वर कलर की है। तो 5 क्रेटा वाइट होने वाली है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, फर्स्ट वाली गाड़ी से स्टार्ट करते हैं। ये है 2018 की ऑटोमेटिक गाड़ी, SX मॉडल है, टॉप मॉडल है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो गाड़ी की साइड लुक है वो किस तरह से है, अलॉयज किस तरह से है। यहाँ पे सामने के साइड में आपको डिस्क ब्रेक मिलता है और ऑटो की आपको साइड में बैजिंग मिलती है। क्रोम डोर हैंडल्स है। कंडीशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, एकदम प्रॉपर कंडीशन है। और ये जो गाड़ी है ये 87,000 जो है किलोमीटर चल चुकी है, सिंगल ओनर कार है। और यहाँ पे आप जो इसकी कंडीशन देख सकते हैं कि किस तरह से है। बाकी अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो 14 लाख इसकी जो प्राइस है वो कोट की है, और 10 लाख तक इसके ऊपर जो आप फाइनेंस कर पाओगे। अराउंड आप इस गाड़ी को जो है 4 लाख में घर पे लेके जा सकते हैं, और बाकी के अमाउंट का जो है आप EMI कर सकते हैं। और कंडीशन तो आप पूरी देख चुके हैं। अंदर से मैं आपको ज़्यादा मतलब कुछ कंडीशन नहीं दिखाऊंगा, बिकॉज काफ़ी बड़ा और लंबा वीडियो बन जाता है। तो यहाँ पे बस आप थोड़ा बहुत देख सकते हैं कि किस तरह का इंटीरियर है। और डायरेक्टली बढ़ते हैं सेकेंड वाली गाड़ी की तरफ, जो कि अगेन है 2018 की SX प्लस मॉडल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके अंदर थोड़ी सी DRLs वगैरह चेंज है और अलॉयज भी थोड़े से चेंज है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके अलॉयज और इसके अलॉयज में जो है थोड़ा बहुत डिफरेंस है। और यहाँ पे इसकी भी एक बार आप कंडीशन देख लीजिए। तो ये सिर्फ एक ही सिल्वर कलर की गाड़ी यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि कंडीशन किस तरह की है, क्योंकि इन गाड़ियों के अंदर आपको कलर चॉइस तो ना के बराबर मिलने वाली है। आपको व्हाइट कलर की ज़्यादा गाड़ी यहाँ पे मिलेगी, तो सिल्वर कलर की जितनी ज़्यादा मतलब जल्दी सोल्ड हो जाएगी आपको सिर्फ व्हाइट कलर ही यहाँ पे देखने को मिलेगा। बाकी ये है गाड़ी की फ्रंट लुक, 2018 की गाड़ी है, 42,000 किलोमीटर चल चुकी है, सिंगल ओनर कार है। और इस गाड़ी की जो प्राइस है वो है अराउंड 12,90,000 रुपये, जो कि एक नेगोशिएबल प्राइस होने वाली है। और ये भी एक डीजल गाड़ी है वैसे, तो इसके ऊपर भी आपको फाइनेंस का ऑप्शन मिलता है। 9 लाख तक आप इस गाड़ी के ऊपर जो फाइनेंस कर पाओगे। और ये एक मैनुअल गाड़ी है, बाकी आप देख ही सकते हैं कि किस तरह की कंडीशन है। और ये है थर्ड वाली गाड़ी, तो ये शायद से 2017 का मॉडल है, तो एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ। सॉरी, ये 2016 का मॉडल है और 79,000 किलोमीटर जो गाड़ी चल चुकी है। ये भी एक सिंगल ओनर कार है। और यहाँ पे आप कंडीशन एक बार देख लीजिए, तो ये कुछ आपको इसकी कंडीशन मिलती है। अदरवाइज आप देख सकते हैं पहली वाली गाड़ी की तरह ही है। एंड डोर हैंडल्स आपको क्रोम के अंदर मिलता है। ये भी एक मैनुअल गाड़ी है। बाकी अगर मैं ये गाड़ी के प्राइस के बारे में बात करूँ ना, तो ये गाड़ी यहाँ पे 11,25,000 रुपये में अवेलेबल है, जो कि एक नेगोशिएबल प्राइस होने वाली है। और इसके ऊपर भी आपको जो है फाइनेंस का ऑप्शन मिलता है। तो आप अराउंड 7,80,000 तक आप इस गाड़ी के ऊपर जो फाइनेंस कर पाओगे, तो डील काफ़ी हद तक मतलब अच्छी है। बाकी ये है अपनी थर्ड वाली गाड़ी। तो ये अगेन मुझे थोड़ी सी मतलब ऑटोमेटिक की यहाँ पे फील आ रही है, बट यहाँ पे बैजिंग नहीं है, तो ये भी शायद से मैनुअल गाड़ी है। वो हम एक बार चेकआउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हेडलैम्प वगैरह का सेटअप। और ये जो है 2017 का मॉडल है, सो ये भी एक मैनुअल गाड़ी यहाँ पे आप देख सकते हैं। एंड SX प्लस मॉडल है। कंडीशन आप यहाँ पे देख लीजिए बाहर से। और यहाँ पे ये है दूसरी साइड की कंडीशन। अगर हम डिटेल्स की बात करें ना, तो यहाँ पे ये जो गाड़ी है ये चली है अराउंड 57,000 किलोमीटर। तो 57,000 किलोमीटर चल चुकी गाड़ी है, बाकी सिंगल ओनर कार है ये भी। इसकी जो प्राइस है वो कोट की है 12,75,000 रुपये, जो कि एक नेगोशिएबल प्राइस होने वाली है। गाड़ी के ऊपर आपको इस गाड़ी के ऊपर भी आपको जो है फाइनेंस का ऑप्शन मिलता है, जो कि आप अराउंड जो है 9 लाख तक इस गाड़ी के ऊपर जो है फाइनेंस कर पाओगे। और ये है अपनी थर्ड वाली गाड़ी। तो ये जो है 2015 का मॉडल है, तो इसकी जो प्राइस है वो अंडर 10 लाख है। यहाँ पे आप एक बार कंडीशन देख लीजिए, ये भी वाइट कलर की गाड़ी है। और यहाँ पे ये दूसरी साइड की कंडीशन, तो ये कुछ आपको इसकी कंडीशन मिलती है। बाकी अगर मैं मतलब कितनी चली उसकी बात करूँ, तो ये गाड़ी जो है 82,000 किलोमीटर चल चुकी है। और ये एक ऑटोमेटिक गाड़ी है, SX प्लस मॉडल है और ऑटोमेटिक गाड़ी है।
गाड़ी की जो प्राइस है वो कोट की है 9,75,000 रुपये, जो कि एक नेगोशिएबल प्राइस होने वाली है। इस गाड़ी के ऊपर भी आपको जो है फाइनेंस का ऑप्शन मिलता है, तो आप इसके ऊपर जो है 6,80,000 तक फाइनेंस कर पाओगे और अराउंड आप इस गाड़ी को जो 3.5 लाख में घर पर लेके जा सकते हैं, बाकी के अमाउंट का आप जो ये EMI कर सकते हैं। सो अभी है ये अपनी लास्ट वाली गाड़ी, जो कि अगेन एक 2016 का मॉडल है और यहाँ पे आप इसकी जो कंडीशन देख सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छी कंडीशन के साथ है। वैसे मैं इन सारी कार्स की जो ये थोड़े थोड़े जो इंटीरियर के शॉट्स है वो डालने की कोशिश करूँगा, मतलब आपको जो इंटीरियर की कंडीशन है वो भी समझेगी कि ये गाड़ी अंदर से इनकी जो कंडीशन है वो किस तरह से है, तो बाहर से तो आप देख ही सकते हैं। और बाकी अगर हम बात करें इसकी डिटेल्स की, तो 2016 मॉडल है और ये भी एक सिंगल ओनर कार है। जो गाड़ी है ये 65,000 किलोमीटर जो है चल चुकी है और जो गाड़ी की प्राइस है वो कोट की है 12,75,000 रुपये, जो कि अगेन एक नेगोशिएबल प्राइस होगी और ये भी एक ऑटोमेटिक गाड़ी है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इस गाड़ी का जो फाइनेंस है वो आप अराउंड जो है 9 लाख के आसपास कर पाओगे। बाकी ये है सारी क्रेटा, जो कि आज के वीडियो के अंदर हमने देखी, तो सारी क्रेटा जो है ये काफ़ी अच्छी कंडीशन के साथ है। प्राइस रेंज अगर हम देखें तो सारी गाड़ियों की जो प्राइजेस है ये नेगोशिएबल होने वाली है, आप यहाँ पे आके अपनी प्राइस जो है रख सकते हैं और जो आपको गाड़ी पसंद आती है उसको अपना बना सकते हैं। तो आज हमने 3 ऑटोमेटिक गाड़ियाँ देखी और 3 जो है हमने मैनुअल गाड़ियाँ देखी। सारी गाड़ियों की जो कंडीशन थी वो काफ़ी मतलब एकदम प्रॉपर कंडीशन थी और यहाँ पे मतलब आपको थोड़ी सी जो ओवर प्राइस लग रही होगी, बट जो गाड़ियों की कंडीशन है और जो मतलब आपको गाड़ियों की मतलब एश्योरिटी मिलने वाली है कारमॉल के अंदर, वो आपको काफ़ी अच्छी मिलने वाली, तो उस हिसाब से जो गाड़ियाँ है वो काफ़ी अच्छी है। बाद में अगर आप कहीं से भी गाड़ी खरीदते हो तो आपको कुछ प्रॉब्लम उसके अंदर देखने को मिलेगा, तो वो जो जिम्मेदारी रहती है ना वो आपकी होगी, बट यहाँ पे आपको जो काफ़ी एश्योर्ड कार मिलेगी, तो आप ज़रूर से जो है कारमॉल नासिक के अंदर आके विजिट कर सकते हैं अगर आपको एक क्रेटा लेनी है तो। बाकी अगर आपको आज के वाला वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो नीचे लाल वाला बटन है उसको जल्दी से दबा दीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वाले ऐसे अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।